बागपत के बाड़ौत में निकाली जा रही तिरंगा यात्रा को पुलिस प्रशासन ने रुकवा दिया है। एबीवीपी कार्यकर्ताओं और बीजेपी के कुछ स्थानीय नेता तिरंगा यात्रा निकालकर सीएए का समर्थन कर रहे थे, जिसको लेकर बड़ौत रेलवे स्टेशन से कार्यकर्ताओं ने तिरंगा यात्रा शुरू करने का कार्यक्रम रखा था, लेकिन जैसे ही कार्यकर्ता बड़ौत रेलवे स्टेशन पर एकत्रित हुए तभी पुलिस मौके पर पहुंची और तिरंगा यात्रा को रद्द कर दिया गया। और वहीं प्रशासन की तिरंगा यात्रा रद्द कराने के बाद एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने दिल्ली जाकर शाहीन बाग के धरने के विरोध में धरना करने का ऐलान कर दिया। परमिशन इन्होंने कैंसिल कर दी गई है। जब दिल्ली के शाहीन बाग में धरना देश के विरोध में धरना दे सकते हैं वामपंथिया, क्या हम अपने देश में तिरंगा यात्रा नहीं काट सकते? हाँ, ये अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की तरफ से जो है रखा गया था, लेकिन इनको परमिशन नहीं मिली है तिरंगा यात्रा निकालने के लिए। फिर भी आज जो है यहाँ चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था की गई है, इतना फोर्स लगाया गया है ताकि जो है ये उसका विरोध ना करें।